तो मार्केट दोनों तरफ मोमेंट किया आज और बढ़िया मोमेंट था मेरे लिए भी अच्छा ट्रेड की दिन थी मॉर्निंग में मैंने कॉल साइड भी ट्रेड लिया था और यहाँ पे रिवर्सल में मैंने पुट साइड भी ट्रेड लिया था सो ओवरऑल इट वाज एन एक्सलेंट डे ओके तो अभी आगे क्या करना है देखो आगे अगर हम डेली और वीकली चार्ट में देखेंगे डेली uh, की लो uh, मतलब फ्राइडे की लो और वीकली की लो So ही है, तो वीकली लो अगर हम कंसिडर करेंगे तो बैंक निफ्टी की फोर्टी फोर थाउजेंड एट फोर्टी फोर है जो कि यहाँ पे था ठीक है इस एरिया में और निफ्टी की वीकली लो है नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर और फिर निफ्टी की वीकली लो है ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टी थ्री तो वीकली लो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है और यूजुअली बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक uh, या इंडेक्स हो उसको एक ही बार में नहीं ब्रेक करता है तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है मैं पुट होल्ड नहीं करना चाह रहा था और यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी स्कैल्पिंग ट्राई कर रहे थे कॉल में पुट में वगैरह सो दैट वेल लेकिन अभी क्या है कि देखो वीकली लो ब्रेक करना था इसको तो इसके नीचे इसको कॉन्स्टेंटली uh, ट्रेड करना चाहिए था प्लस फॉलो थ्रू कैंडल्स देने थे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं uh, पे समझो अगर मैंने एक लाइन डाल दिया मॉर्निंग तो से क्या हो रहा था कि ये देखो फर्स्ट टाइम एक रेड कैंडल ने इसको ब्रेक करके क्लोज किया फॉलो थ्रू नहीं आया यहाँ पे क्लोज किया फॉलो थ्रू नहीं आया इनडिसिजन कैंडल आया एक ब्रेकडाउन कैंडल फॉलो थ्रू नहीं आया फिर यहाँ पे एक ब्रेक डाउन नो फॉलो थ्रू सो इस तरह जो है ये फॉलो थ्रू नहीं कर रहा था और एक शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पे आई फिर दोबारा एक डिप यहाँ पे भी आप देखोगे वापस क्लोज किया नो फॉलो थ्रू क्लोज किया नो फॉलो थ्रू क्लोज किया इनडिसीजन कैंडल्स सो ऐसे इन डिसीजन कैंडल्स को ब्रेक करेंगे तो एक रिवर्सल पॉसिबल होता है वापस रिवर्स होके वीकली लो के ऊपर आके क्लोज कर दिया ठीक है तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ फिलहाल तो वीकली लो इज दैट इम्पोर्टेंट सो अभी क्या हमें देखना है कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये दोनों ने अपने वीकली लो को ब्रेक करके ऊपर ही आके क्लोज किया है जबकि हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने एक इन कैंडल फॉर्मेशन किया है वीकली में एज वेल एज डेली में तो बहुत ऑब्वियस ट्रेड जो होता है वो ये है कि निफ्टी कल ये इनसाइड कैंडल को नीचे ब्रेक करे और बैंक निफ्टी भी फोर्टी थ्री एट फोर्टी वगैरह ब्रेक करे और वीकली लो के नीचे ट्रेड करे और फिर निफ्टी भी ट्रेड करे तीनों इंडेक्स ऐसे नीचे ट्रेड करे जिसको हम एक्सट्रीमली बेरेज कंडीशन कहते हैं वैसा मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा कि तीनों इंडेक्स एकदम जबरदस्त गिरावट दिखाए ऐसा कुछ मार्केट में है नहीं एंड सेकेंडली कल भी हमने डिस्कस किया था कि बियरिश नहीं लग रहा है करेक्शन uh, का माहौल दिख रहा है और uh, आज आप देखोगे तो नीचे की तरफ में ट्रेड इतनी uh, अच्छी नहीं थी जबकि हमने प्रीवियस डे लो भी ब्रेक किया uh, वीकली लो भी ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा था यहाँ पे बाइंग डेफिनेटली आ रही थी तो अब हम देखेंगे डेटा और डिसाइड करेंगे कि कल कैसे क्या ट्रेड करना है तो अब बात करते डेटा की तो एफ आई के आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने आज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव लॉन्ग क्लोज किया है और फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी फोर शॉर्ट्स क्लोज किया है लग मुझे लगता है ऑप्शन अगर हम देखेंगे कॉल शॉर्ट ज्यादा है पुट शॉर्ट कम है तो वन साइडेड पोजिशन तो नहीं है क्योंकि मार्केट में डिप तो बिल्कुल मिला था लोअर एंड में क्लोज हुआ है तो थोड़ी सी शॉट जरूर हुई है और ऊपर में कॉल शॉट भी डेफिनेटली हुई है तो ये हमें क्या दिखाता है कि सेल ऑन राइज तो हम डेफिनेटली कर सकते कल के दिन पे या ऊपर के लेवल पे मिलेगा तो हम एक सेलिंग जरूर ट्राई कर सकते रेजिस्टेंस स्ट्रांग है सपोर्ट इतने स्ट्रांग नहीं है ठीक है प्रोज के देखेंगे तो प्रोज ने भी कॉल शॉर्ट भी कर रखा है फुट शॉट भी कर रखा है इनकी लगभग साइडवेज की उम्मीद है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा और एफ की उम्मीद ये है कि साइडवेज तो हो सकता है लेकिन थोड़ी सी नीचे की तरफ की प्रेशर रहेगी ऐसी उनकी पोजीशंस है तो हमारा इसमें से टेक क्या है कि दोनों की व्यू ये है कि दोनों ने सेलिंग करी है क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम पोजीशंस जो है फिर निफ्टी में होगी कल और उनकी व्यू ये है कि थोड़ी सी सेलिंग की प्रेशर रहेगी और मार्केट थोड़ी सी साइडवेज भी हो सकता है तो अभी हम लोग क्विकली लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं आज तीनों भी डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तो पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्योंकि ये तो अपनी फेवरेट इंडेक्स है तो देखो अभी ये जो एरिया है ये एक साइडवेज एरिया है कल इसी के अंदर खुलेगा तो वापस इसी के अंदर घूमता रहेगा और अपनी लास्ट स्विंग जो है वो यही है फोर्टी फोर नाइन फिफ्टी और ये जो लो है आप इसको कंसीडर कर सकते हो जो फोर्टी फोर सेवन हंड्रेड के करीब है तो कल अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है तो एक बार थोड़ी सी डिप दे सकता है लेकिन यहाँ तक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और यहाँ पे वीकली लो है तो इसको भी ब्रेक करेगा इसकी गारंटी नहीं है ये तब पॉसिबल है जब अगर हम गैप डाउन वगैरह खुलते हैं तो थोड़ी सी प्रेशर बन सकती है क्योंकि एफ के पास ज़्यादा पुट शॉट नहीं है और प्रोज के पास काफ़ी पुट शॉट है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि कल अगर हम गैप डाउन खुलते हैं बिलो फोर्टी फोर एट हंड्रेड तो इमिडिएटली एक राइज आएगा जिसमें प्रोस कोशिश करेंगे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने में फिर निफ्टी के एक्सपायरी होने के कारण थोड़ी सी साइडवेज हो सकती है लेकिन ये साइडवेज यही रखेगा कि वीकली जो लो है उसके नीचे नीचे अगर ट्रेड कर रहा है और फिर कभी भी ये लो ब्रेक हो रहा है आ, तो उसमें हम पुट की ट्रेड बिल्कुल लेंगे बैंक निफ्टी में टारगेट करेंगे हम फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड की ओके ये ध्यान में रखना कल एकदम से उड़ी नहीं मारना है और पुट तभी सोचना है कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुले तो फिलहाल एसडीएक्स निफ्टी जो है लगभग फिफ्टी नाइन पॉइंट अप है देखेंगे मॉर्निंग में इसकी क्या आ, स्टेटस है अभी तो फिलहाल अपसाइड दिखा रहा है और इस लेवल के ऊपर अगर खुलता है तो ये थोड़ी सी आ, बुलिश एरिया हो जाएगी तो क्या होगा कि इसमें से मार्केट डिप करेगा और यहाँ पे वेट करने लगेगा ठीक है अगर ऐसे वेट कर रहा है और दोबारा इधर ऊपर आ रहा है तो हम कॉल की ट्रेड लेंगे टारगेट्स यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे रखने पड़ेंगे क्योंकि आ, थोड़ी सी सेलिंग के बाद जो है फर्स्ट टाइम ऊपर जाएगा और कॉल शॉर्ट्स भी है तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आएगी तो फोर्टी फोर नाइन फिफ्टी से फोर्टी फाइव जीरो सेवन थ्री फोर्टी फाइव वन हंड्रेड तक आप कंसिडर कर सकते हो फिर यहाँ पे वेट किया तो यहाँ से फोर्टी फाइव टू हंड्रेड जाएगा लेकिन ये जो सफर है ये थोड़ा सा आ, स्लो रहेगा और दिक्कत भी दे सकती है ऑप्शन बायर्स को तो ये अपसाइड में थोड़ी सी क्वान्टिटी कम रखो और आ, थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए तो ये है बैंक निफ्टी की प्लान तो पुट साइड हम गैप डाउन पे ही लेंगे और कॉल साइड में क्वांटिटी कम रखेंगे और छोटे छोटे टारगेट्स जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे बुक करेंगे फ्लैट ओपनिंग पे आपको वेट करना है इस रेंज के ब्रेकआउट के ठीक है या तो यहाँ पे ब्रेक करे या तो यहाँ पे ब्रेक करे फिर ही ट्रेड लेना है और जब भी ये वीकली लो के नीचे ट्रेड करेगा मैं एक चीज से कॉन्फर्मेशन चाहिए कि फिर निफ्टी भी नीचे ट्रेड करे और निफ्टी भी जो है इन साइड कैंडल का लो ब्रेक करे ओके तो अब आते हैं निफ्टी में तो निफ्टी की स्विंग्स ऐसी है आ, ये अगर गैप डाउन खुलता है एक बार प्रेशर यहाँ से मार सकता है क्योंकि ये लेवल अभी भी अनटेस्टेड है और यहाँ पे टाइम पास कर सकता है फिर दोबारा अगर नाइनटीन थ्री थर्टी को ब्रेक करता है तो यहाँ पे पुट लेना है तो हमें गैप डाउन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेवल को क्या करता है ये इसका ध्यान तो रखना है इन कैंडल में बहुत आसान होता है बोलने के लिए कि लो ब्रेक करने पर ट्रेड ले लो लेकिन ये हमेशा फंसाता है ठीक है तो अगर गैप डाउन खुल गया तो ये फटफट फटफट फट रिकवर करके आ जाएगा अंदर तो उस चीज में हमें नहीं फंसना है तो गैप डाउन में हम सिर्फ थोड़ी सी वेट करेंगे कि ये अंदर आए ठीक है आप इस ये कॉल की ट्रेड अगर कोई एक्सपर्ट है तो ले सकते हो नहीं तो आप वेट करो यहाँ पे कंसोलिडेट करे फिर ब्रेक करे तो हम ले लेंगे पुट फिर ये प्राइस एक्शन बना के आएगा तो नीचे इसकी नेक्स्ट लेवल है इमीडिएट नाइन टू एटी है उसके बाद नाइनटीन टू हंड्रेड है ठीक है ये नीचे की लेवल है और बुलिश नाइनटीन फोर हंड्रेड के ऊपर होगा और इसकी फर्स्ट टारगेट जो है नाइनटीन फोर सेवेंटी का हम लोग प्लान कर सकते हैं अगर ये गैप अप खुलता है वेट करेंगे इसको गैप फिल करने के लिए और गैप फिल करने के बाद ये इधर कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करना चाहिए अगर नहीं कर रहा है तो ये नीचे आके यहाँ पे रेस्ट करने लगेगा तो निफ्टी में कल थोड़ा सा जो है बुलिश की ट्रेड मिलेगा तो लेंगे लेकिन इस एरिया में थोड़ा यहाँ पे मैं पुट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा अभी फिर निफ्टी देख लेते तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक्सपायरी की मूव आपको पता है कि यूजली थोड़ा सा फर्स्ट हाफ जो है थोड़ा साइलेंट होता है और सेकंड हाफ में मोमेंटम रहता है तो बीस हजार के नीचे ही एक मोमेंटम आ सकता है नाइनटीन नाइन फोर्टी देन इवेंचुअली मुझे लगता है नाइनटीन नाइन हंड्रेड के आसपास है एक गैप है वहाँ पे लाइन मेरी सिक्सटी पे है लेकिन नाइनटीन नाइन हंड्रेड तक की उम्मीद कर सकते हैं तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी में आपको क्या ध्यान में रखना है राउंड नंबर ऊपर हमारे पास ट्वेंटी थाउजेंड्रेड है और नीचे में हमारे पास ट्वेंटी थाउजेंड है तो मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है और आफ्टरनून में ट्वेंटी तो हम पुट की ट्रेड ले लेंगे और सेकेंड पुट की ट्रेड कब लेना है अगर ये गैप डाउन खुलता है यहाँ पे तो देखते हैं ये गैप फिल करे आए यहाँ पे टाइम पास करे फिर इसको ब्रेक करे तो ले लेंगे पुट या तो खुलते ही एक बड़ा सा हेड डाल देवे और इसको ब्रेक करे तो हम फिर भी पुट ले लेंगे ठीक है तो अपसाइड इसमें ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड के ऊपर ही ट्वेंटी थाउजेंड के वन हंड्रेड के ऊपर निकलने पे ये स्लो एंड स्टडी ट्वेंटी थाउजेंड इस लेवल तक वन एटी तक जा सकता है और इवेंचुअली शायद ट्वेंटी टू हंड्रेड भी ट्राई करे सो आई होप कल की प्लान क्लियर है कॉल शॉट्स ज्यादा है तो रेजिस्टेंस मिलेंगे तो स्कैल्पिंग जब करोगे तो पुट uh, की ट्रेड लेना ऐसे ऊपर की तरफ में क्योंकि एस छोटे रहते हैं लेकिन मैं अभी जो बताया ये सब ट्रेंड फॉलोइंग uh, मैंने प्लान बताई है बट स्कैल्पिंग करने के टाइम पे आप जब भी ऐसे ऊपर के स्तर पर मार्केट मिलता है आप एक पुट ट्राई कर सकते हैं Thank you for watching. Uh, let's meet on another video. Till then, take care. Bye bye.